hi everyone welcome to eureka classes and myself professor sudipto Ghosh, and we are on to the lecture number two of chapter number three from your maths textbook that is indices and cube roots in our previous lecture we have covered with the laws of indices of the chapter okay laws of indices and we have also seen the rational indices the meaning of rational indices what does that mean to us okay even we have covered the two exercise from your textbook. I hope those two exercise are now clear with everyone. Okay. Those were the basic concepts of the indices. We have used there the laws of indices. We have used the meaning of rational indices in those two exercises. And we are on to the lecture number two. And in this lecture, we will be studying about the second part of the chapter. Jesse.

टू इंटू टू इंटू टू विल गिव मी एट तो आई कैन से टू इज टू टू इंटू टू इंटू टू विल गिव मी एट दैट इज क्यूब ऑफ एट ओके फाइन ये हो गया तो वैसे ही क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे अंडर रूट के साइन में अंडर रूट के साइन में एंड वी हैव टू डू दैरिंग ऑफ द सेम नंबर्स

In short, we will be having a short recap about the topic called as square root, and then we will be coming on to cube roots. Clear? Let's go with this. That's a short recap for you people students. That, that's the reason I have written revision. Revision karm. Look, every positive number has two square roots. This is very important. In your higher standards, when you will be coming into your 9th standard and 10th standard, this is going to be too crucial to know. ठीक है सबको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमेशा दो आंसर्स देगा एक पॉजिटिव आंसर देगा दूसरा नेगेटिव आंसर देगा दैट्स द रीजन व्हाई व्हाट वी हैव रिटन हियर इज एवरी पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर नंबर हैज टू स्क्वायर रूट्स हर के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं एक प्लस में देगा दूसरा माइनस में देगा द नंबर हैज टू स्क्वायर रूट्स वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव अदर नेगेटिव ओके एग्जांपल लेट्स गो विद विद्जाम्पल नाउ Positive root of 16 is shown as, क्या लिखेंगे उसके लिए आंसर फोर ठीक है ये कैसे बनेगा एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस कैन बी रिटन एज फोर इन टू फोर पेरिंग ऑफ टू यस पेयरिंग ऑफ टू दैट्स द रीजन वाई माई आंसर इज फोर क्लियर पॉजिटिव आंसर मिला फोर ओके okay. तो सेम वे सर ये भी तो आंसर दे सकता है ये yes, इसके साथ भी आंसर निकाल सकता है दिस कैन बी रिटर्न एज फॉर द नेगेटिव नंबर माइनस फोर इंटू माइनस फोर दिस इज वॉट योर आंसर इज गोइंग टू बी तो दैट्स द रीजन वी हैव गॉट द आंसर एज माइनस फोर इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर नाउ ओके सो यू नीड टू रिमेंबर remember karna every positive number every positive number has two square roots one is positive and the other is negative this is what you need to remember in your higher standards you will be asked somewhere in your lower standards you might have studied about this topic that is every positive number has two square roots one is positive and the other one is negative clear okay so this was basically the revision now we will be talking about now we will be talking about the

ट्वेंटी तक अगर निकाल सकते हो बहुत अच्छी बात है ट्वेंटी तक अगर क्यूब याद रख सकते हो देन इट विल बी वेल एंड गुड फॉर यू पीपल बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा मिनिमम टेन तक तो आने ही चाहिए बट अगर उससे ज्यादा अगर जिसको मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो ये सब कर सकता है ठीक है तो एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम टेन एंड मैक्सिमम ट्वेंटी उससे ज्यादा नहीं उससे ज्यादा के लिए हमारे पास वी डू हैव अ मेथड कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन हम फैक्टर्स निकालते हैं उसके फैक्टर्स निकाल के हम कर सकते हैं दैट्स ओके

Let us assume, 8 लिया था हमने तो आंसर विल ऑल्सो भी नेगेटिव क्लियर ओके सो ये फर्स्ट नोट हो गया क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो नंबर दैट यू शुड अंडरस्टैंड ओके टॉकिंग अबाउट द सेकेंड नोट

जब तीन नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव देगा तीन पॉजिटिव नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव देगा सर कैसे प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस प्लस तो पॉजिटिव आंसर मिला माइनस इंटू माइनस प्लस पर प्लस इंटू माइनस माइनस तो दैट्स द रीजन कि तीन नंबर जब नेगेटिव वाले आते हैं तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा इज दैट क्लियर ओके फाइन द फर्स्ट क्वेश्चन

होप सबको एलसीएम वो फैक्टराइज करने आता होगा बस यहां पे वैसा भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली रूट्स नहीं पता है तो इसीलिए मैंने बोला कि कम से कम यू शुड नो टेन तक के क्यूब्स टेन तक के क्यूब्स या तो अगर बहुत ज्यादा टाइम है इंटरेस्ट ज्यादा है नंबर के साथ खेलने का तो ट्वेंटी तक के रूट्स बस नॉट मोर देन दैट ठीक है बस हो गया द फर्स्ट क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर क्यूबरूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ सी कैसा दिखेगा ये क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ एट थाउजेंड निकालने बोला है डू यू नो व्हाट इज क्यूब्रूट ऑफ एट थाउजेंड डायरेक्ट आंसर बोलेंगे आई नो 20 क्योंकि मेरे को आता है ट्वेंटी तक का तो हम ट्वेंटी तक बोल सकते हैं ठीक है तो इसका तो हमने बोला थी, चलो ठीक है सल्यूशन देखते ओके क्यूब रूट ऑफ एट क्यूब रूट की बात कर रहे थे इसीलिए हमने यहां पर देखो क्या लिखा थ्री स्क्वायर रूट की बात करते तो कभी लिखते हैं वहां पे नहीं फोर्थ रूट की बात करेंगे तो कितना आएगा फोर इंडाइसिस में सीखा है हमने ये इंडाइसिस में सीख लिया हमने ये करेक्ट है ठीक है एट थाउजेंड की बात कर रहे हैं कम देखते हैं कैसे होगा एट थाउजेंड मैंने कहा आंसर मुझे पता है कि 20 आएगा 20 का क्यूब होता है 8000 थाउजेंड बट डू यू नो नो तो कोई बात नहीं हम निकालेंगे टू से ऑलवेज गो विद द स्मॉलर नंबर नो प्रॉब्लम चलेगा सो so, ये 4000 मिलेगा फिर वापस से यू विल गो विद दिस वन 2000 देगा अगेन टू थाउजेंड देगा अगेन टू 500 देगा ठीक है अगेन टू 250 देगा अगेन टू 125 देगा क्लियर अब 125 ओके दिस विल गो विद 5 25 दिस विल गो विध 5 5 दिस विल अगेन गो 5 1 ये जो भी कुछ आपको नंबर्स दिख रहे हैं यहां पे जो भी कोई आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये सबको इस रूट के अंदर डालोगे एंड देन वील विल बी गोइंग फॉर पेरिंग्स जोड़ी बनाएंगे ठीक है लत्सी क्यूब ऑफ या फिर क्यूब रूट ऑफ 8000 बोला ना कितनी बार टू है वो देखते हैं पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू ओके नो no टू इन टू टू इंटू टू इंटू टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री फाइव कितने टाइम दिख रहा है तीन बार थ्री टाइम्स आई एल राइट इट यू ठीक है ये लिख दिया हमने यहां पे

एक टू यहां से आएगा एक टू यहां से आएगा एक फाइव यहां से आएगा देन वॉट विल बी माई आंसर देन वॉट विल बी माई आंसर माई आंसर सबके सब, सब क्यूब रूट से बाहर तो आई एल से टू इन टू इंटू फाइव ठीक है टू टू या फोर फोर फाइवेंटी आया आंसर ट्वेंटी क्यूब रूट ऑफ एट थाउजेंड आंसर ट्वेंटी सो आई एल राइट क्यूब रूट ऑफ एट थाउजेंड इज इक्वल टू ट्वेंटी आई होप क्लियर विद एवरी वन ये तो सबको आता होगा कैसे हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं बस ऐसे ही निकालना है एलसीएम ओके डन द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन विद यू पीपल नाउ ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेवन ट्वेंटी नाइन अगर टेन तक का आता ना तो इसका डायरेक्ट आंसर पता होता मुझे पता है इसका डायरेक्ट आंसर नाइन का क्यूब होता, होता है किसका क्यूब होता है नाइन का ओके नॉट एन इश्यू लेट्स गो फॉर दिस वन सल्यूशन क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन इसका भी वापस फैक्टर्स निकालते हैं नो इश्यूज़ सेवन ट्वेंटी नाइन थ्री से थ्री से करते हैं थ्री टू जा सिक्स थ्री फोर जा एंड थ्री थ्री जा क्लियर फिर वापस थ्री से थ्री एट जा एंड थ्री वन जा फिर वापस है थ्री से

थ्री फोर फाइव सिक्स लेट्स गो फॉर दैरिंग नाउ लेट्स गो फॉर नाउ दिस इज एक बार और ये दो बार तीन तीन की तीन तीन का पेयरिंग करने का जोड़ी बनाने का तीन तीन का ये थ्री एक बार बाहर आएगा ये थ्री एक बार बाहर आएगा आई विल बी गेटिंग माई आंसर आई विल बी गेटिंग माई आंसर सो माई आंसर इज गोइंग टू बी थ्री इन टू थ्री विच इज नथिंग बट नाइन दैट्स माई आंसर सो माई आंसर फॉर क्यूब रूट ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन इज नाइन डन क्लियर है तो दो क्वेश्चन हो गए आई होप इट्स सिंपल बहुत ज्यादा सिंपल है खाली से फैक्टर्स निकालना है आंसर लिखना है पेरिंग कर लो आंसर आ गया नेक्स्ट थर्ड साम थ्री फोर्टी थ्री अब जिन बच्चों को वन से लेकर टेन तक के क्यूब्स पता है इसका डायरेक्ट आंसर वो बता देंगे सेवन है सेवन का क्यूब होता है सेवन थ्री फोर्टी थ्री सेवन का क्यूब होता है थ्री फोर्टी थ्री नो इश्यूज चलो लेट्स सी सोल्यूशन ओके फाइन इट एस क्यूब रूट ऑफ थ्री फोर थ्री लेट्स कम टू दी फैक्टर्स नाउ थ्री फोर थ्री ओके So, uh, अब जिनको लगेगा कि सर थ्री के टेबल में जाएगा क्या चेक करने का कैसा चेक करने का कि कौन से टेबल में जा सकता है थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस थ्री नाइन सॉरी सेवन प्लस थ्री टेन सो सॉरी सेवन प्लस थ्री टेन एंड द एडिशन इज नॉट गोइंग इन द टेबल ऑफ थ्री तो ये थ्री से पॉसिबल नहीं है सो so, सर टेन आ रहा है टू से जाएगा क्या टू के टेबल में कभी लास्ट में थ्री देखा है हमने नहीं देखा है सर फाइव से जाएगा क्या नहीं उसमें भी नहीं आता है सर टेन से जाएगा क्या उसमें भी नहीं पॉसिबल है ओके लेट्स गो नाउ आई से ठीक है 7 49 करूंगा आंसर थ्री फोर्टी थ्री देगा बट फोर्टी नाइन कैन बी रिटर्न एज अगेन ओके सेवन से किया इसको एंड दिस इज अगेन एंड डन सो दिस इज क्लियर ये बहुत ज्यादा हो गया ओके okay. फाइन तो कितनी बार आया तीन बार ओके okay? क्यूब रूट ऑफ सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इज दैट ओके नाव द पेरिंग नाउ द पेरिंग से एक ही पेरिंग दिख रही है मुझे वो द्री ऑल थ्री सेवन आर गोइंग टू कम आउटसाइड ऑफ द क्यूब रूट एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज सेवन ये एकदम सिंपल सा था एकदम सिंपल सो दिस क्यूब रूट ऑफ थ्री फोर थ्री इज नथिंग बट सेवन डन The sum is कंप्लीट क्लियर द नेक्स्ट वन ओके अब नेगेटिव नंबर मिला हमें अब हमें मिला नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर को कैसे सॉल्व करने का टेंशन नहीं लेने का नेगेटिव को खाली सिर्फ वो माइनस साइन को अभी फिलहाल के लिए पिक्चर में नहीं लाने का तो किसको देखने का ओनली नंबर अगर सिर्फ मैं नंबर को देखूं स्टूडेंट्स तो मुझे इसका डायरेक्ट क्यूब पता है जिनको भी वन से लेकर टेन तक के क्यूब्स आते हैं दे नो द डायरेक्ट क्यूब ऑफ दिस वन किसका क्यूब होता, होता है ये? एट एट का क्यूब होता है फाइव वन टू एट का क्यूब होगा टू क्लियर चलो लेट्स सी सो दिस इज गोइंग टू गिव यू सॉल्यूशन में क्यूब रूट ऑफ माइनस फाइव वन टू इज दैट क्लियर दिस इज क्वेश्चन आई विल इग्नोर एज ऑफ नाउ माइनस साइन अभी फिलहाल के लिए मैं minus sign को side में मुझे नहीं चाहिए माइनस साइन अभी के लिए आई एल जस्ट फोकस ऑन दी नंबर वन कैरी टू फाइव एंड टू सिक्स फिर टू से टू वन झा टू टू झा टू एट फिर टू से

Not an issue. I'll write it here. Cube root of 2 into 2 into 2 into 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, yes, done. 9 times 2. So my answer ye ek jodi bana pairing. नेक्स्ट जोड़ी कैन बी दस वन वन टू थ्री इिस इज माई सेकेंड जोड़ी थर्ड पेरिंग विल बी दस वन ये एक और जोड़ी बनाया हमने ठीक है सो दिस इज डन सो यहां पर टू दिख रहा है इसको बाहर निकालेंगे तो आई विल गेटिंग ओनली टू देन कम्स ये अब मेरी बात ध्यान से सुनो यहां पर सबके पास माइनस 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 जाएगा माइनस जाएगा माइनस जाएगा क्यों माइनस आएगा सबके पास नेगेटिव नंबर था नेगेटिव नंबर था इसीलिए सबके पास माइनस साइन आना चाहिए सबके पास माइनस साइन आना चाहिए इज दैट ओके सो माइनस 2 बाहर आया फिर एक और माइनस 2 बाहर आएगा एक और माइनस 2 बाहर आएगा माइनस इनटू माइनस विल गिव मी प्लस प्लस इनटू माइनस विल गिव मी माइनस माय आंसर इज गोइंग टू बी माइनस 8 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर क्यूब रूट ऑफ माइनस फाइव वन टू दैट्स माइ फाइनल आंसर क्लियर सिंपल सबके पास माइनस साइन जाएगा जब ये निकालते हैं फैक्टर्स निकालते टाइम माइनस नहीं डालने का जब अंदर रूट के लिखोगे तब आपको माइनस साइन डालना क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अगेन नेगेटिव नंबर ओके फाइन so this is going to give you what this is your question of cube root of minus two seven double four fine number बहुत बड़ा दिख रहा है sir इसका factor क्या है fourteen होता है fourteen ठीक है पर हम check करेंगे fourteen होगा sir हमको आप पे भरोसा नहीं है check करेंगे ठीक है check करते हैं ओके आई आई विल नॉट गो विद आई विल नॉट गो विद माइनस साइन हियर एज ऑफ नाउ हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की तरफ uh, वो नंबर की तरफ ध्यान से देखेंगे साइन देखने का नहीं ओके टू सेवन डबल फोर ओके टू से करते हैं टू वन झा टू थ्री झा वन कैरी टू सेवन जा एंड टू टू झा क्लियर ओके सर दिस इज अगेन टू दिस इज सिक्स जा थ्री झा फोर झा थ्री नाउ इफ यू रिमेम्बर ये का क्यूब रूट अभी हमने निकाला था क्या था इसका क्यूब रूट सेवन ये yes, याद आया कुछ सेवन तो सेवन दिस इज गोइंट टू गिव यू फोर्टी नाइन सेवन दिस इज गोइंट टू गिव यू सेवन और ये लास्ट वाला एक और सेवन आ गया ठीक है बन गया ये चलो लिख लेते हैं अब ध्यान से जब रूट के अंदर लिखेंगे हर एक नंबर के पास नेगेटिव साइन होगा हर एक नंबर के पास नेगेटिव साइन होगा तो थ्री टाइम्स टू एंड थ्री टाइम्स सेवन आयल से माइनस टू माइनस टू माइनस टू आयल से माइनस सेवन माइनस सेवन माइनस सेवन आई होप दैट्स क्लियर विद एवरी वन ये एक पेयरिंग बना ये एक पेयरिंग बना एंड माय फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ओके यहां पे क्यूब रूट आएगा तो यहां से माइनस टू बाहर यहां से माइनस सेवन uh, बाहर क्लियर है माइनस टू बाहर आएगा माइनस सेवन बाहर आएगा ओके सो सर यहां पे तो एक प्रॉब्लम दिख रहा है हमको क्या प्रॉब्लम दिख रहा है वॉट इज अ प्रॉब्लम सर माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस विल गिव यू माइन प्लस तो सर इसका तो आंसर प्लस में दे रहा है ऐसा क्यों रीजन रुक जाओ आंसर नेगेटिव ही आएगा डोंट वरी आंसर विल बी नेगेटिव डोंट वरी कैसे नेगेटिव आएगा सर इतने सारे थे ना तो एक बार इसमें से निकाला इसमें से भी निकाला हमने ठीक है उसका वो नेगेटिव नंबर का भी तो दिखेगा तो व्हाट वी विल बी गोइंग फॉर व्हाट वी विल बी गोइंग फॉर इसका इसका यहां से हम बोल सकते हैं कि उसका एक माइनस साइन हमने फिलहाल बाहर रखा है

नेक्स्ट सिक्स इसके लिए बहुत मेहनत है रीजन है इसके पीछे क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है थ्री टू सेवन सिक्स एट थ्री टू सेवन सिक्स एट बहुत बड़ा नंबर है बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है कोई बात नहीं चलो लेट्स सी देखते हैं टू से आपको पता है इसका डायरेक्ट रूट क्या है डायरेक्ट क्यूब रूट क्या है इसका डायरेक्ट क्यूब रूट होता है इसका थर्टी टू डायरेक्ट रूट होता है इसका थर्टी टू ओके सर मतलब थर्टी टू आएगा तो कितना बड़ा नंबर दिखेगा नॉट एन इशू लेट्स गो विद दिस विदून जा टू सिक्स फिर बाद में वन सेकेंड वन सेकेंड यस करेक्ट है देन कम्स एट जाोर जा फिर टू से फिर यहां पे एट जा यहां पे वन यहां पे नाइन यहां पे टू फिर टू फिर इसमें अगर मैंने देखा फोर जा जीरो दिस इज गोइंग टू गिव यू नाइन एंड हियर इज इट्स गोइंग टू बी सिक्स फिर अगेन टू से टू जीरो फोर एट फिर टू से वन जीरो टू फोर फिर टू से समझ में आ रहे है सब टू के टेबल से ही जा रहा है सब छोटे-छोटे नंबर से अगर बड़े नंबर्स आते हैं तो बड़े नंबर्स के साथ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि सब छोटे-छोटे नंबर्स के साथ ही जाना है हमेशा हम छोटे नंबर्स के साथ इसीलिए जाते हैं ताकि मिस्टेक कम हो ओके लेट्स गो विद हीयर ओके सो हियर इट्स गोइंग टू बी 5 1 2 फिर 2 से फिर 256 फिर 2 से 128 फिर 2 से 64 ओके okay. आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस सो आई विल बी गोइंग ओनली डायरेक्टली फॉर फोर मैं फोर से कर लेता हूं सिक्सटीन अगेन आई बी गोइंग फॉर फोर फोर एंड लास्ट वन इज फोर अगेन दैटर आंसर ओके थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है यहां पर थोड़े बड़े बड़े नंबर ले लिया फोर ले लिया हमने कोई इश्यूज नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टाइम्स टू एंड थ्री टाइम्स फोर क्लियर लेट्स गो विद द सल्यूशन ना ओके So here we go with the solution that is saying cube root of three two seven six eight बहुत बड़ा है तो I have to be very spacious with this थोड़ा बड़ा बना दिया आप दे थ्री से कितनी बार टू दिख रहे थे नाइन टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये थ्री टाइम्स फोर है वन टू थ्री क्लियर लेट्स गो द पेयरिंग एक दो तीन और ये बाकी का एंड द फाइनल आंसर इसका एक टू बाहर इसका एक टू बाहर यहां से भी एक टू बाहर और वहां से एक फोर बाहर ठीक है टू टू झा फोर फोर टू झा एट एट फोर झा इज थर्टी टू मैंने क्या बोला था थर्टी टू इज माई फाइनल आंसर दैट मीनस क्यूब रूट ऑफ दैट मीन क्यूब रूट ऑफ थ्री टू सेवन सिक्स एट इज थर्टी टू क्लियर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप सबको फैक्टर्स एटलीस्ट निकालने आता है तो फैक्टर्स अगर निकालने आएगा एंड प्लीज ऑलवेज अगर मिस्टेक्स मिनिमाइज करने हैं तो गो विद मिनिमाइज या तो ना करना है तो छोटे छोटे नंबर्स के साथ जाओ बेटर बेटर होता होता है होता है है वो ठीक ओके अब ये क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई में करना क्या है जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही करना है आंसर निकालना है रूट इसमें तो पहले से सिंबॉल के साथ दे दिया है रूट लेट्स गो सॉल्यूशन ओके Cube root of 27 upon 125. 27 can be written as, I can directly write cube root. Okay, one second. 3 proper Yes, 3. 27 can be written as 3 into 3 into 3 upon 20, 125 can be written as 5 into 5 into 5. ऊपर तीन बार थ्री दिख रहा है नीचे तीन बार फाइव दिख रहा है दैट मीनस माई आंसर इज गोइंग टू बी थ्री बाई फाइव डन कंप्लीट सिंपल क्योंकि यहां पे वो मुझे पेयरिंग बना के दे रहे थे ये मुझे पेयरिंग बना के दे रहे थे थ्री का ये भी मुझे पेयरिंग बना के दे रहे थे थ्री का तो एक बार थ्री बाहर आएगा एक बार फाइव बाहर आएगा एंड वी आर डन क्लियर दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट वन क्यूब रूट ऑफ सिक्सटीन एंड फिफ्टी फोर सिंपल है यह सिंपल कब होगा जब आपको वो क्यूब्स आना स्टार्ट हो जाएंगे अदरवाइज वो वैसे जैसे हमने वो बड़े बड़े नंबर्स के लिए हमने uh, जो पूरा फैक्टराइज किया है एलसीएम निकाला हम आपको वैसे ही करना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54 व्हिच इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ सिक्सटीन कैन बी रिटर्न एज फोर टाइम्स टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू बड़ा बना देता है दिस इज क्यूब ओके फिफ्टी फोर टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ठीक है अब देखो इसमें कुछ कैंसलेशन हो रहा है कुछ कैंसलेशन टू टू गेट्स कैंसल्ड टू टू कैंसल हो रहा है फिर अगर वो कैंसल हो रहा है तो हम यहां पे वापस एक और स्टेप बना सकते हैं इनटू के साथ दिस इज क्यूब ऑफ टू इंटू टू इंटू टू क्लियर और नीचे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री डन अब यहां पे पेरिंग बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे पेरिंग बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे पेरिंग तो ऊपर कौन आएगा टू ऊपर कौन आ रहा है टू नीचे कौन आया नीचे कौन आया थ्री दैट्स माय आंसर दैट्स माय आंसर क्लियर इजी लगा अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चंस किया सब इजी है ठीक है एंड द लास्ट क्वेश्चन यू कैन से ओके यस यस वी आर ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर बहुत ही छोटा था एंड द क्वेश्चन का मीनिंग इन द क्यूब्रूट क्यूब्रूट्स क्या किया हमने तीन बार तीन बार तीन बार, बार, बार मल्टीप्लाई किया एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन ओके फाइन दिस इज माई क्वेश्चन दे से इफ अब आपको ना मैं नया वर्ड समझाता हूं देखो ध्यान से ये जो वर्ड इफ दिख रहा है ना इफ इफ ये जो वर्ड इफ दिख रहा है इसका मतलब मैथ्स में होता है गिवन मैथ्स में होता है गिवन आपको गिवन है कि क्यूब रूट ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन इज नाइन ये तो हमने अभी सॉल्व भी किया था करेक्ट है तो उन्होंने बोला बताओ फिर आंसर क्यूब रूट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो 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 सेवन ट्वेंटी नाइन इज फॉर दिस दिन ओके नो इश्यूज विद दिस फाइन ये मैं कर देता uh, मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा और ये ठीक है एक वर्ड आप बोल सकते हो कि इफ का मतलब गिवन होता है मैथ्स में वो होगा. मतलब डेटा गिवन है आपको इन शॉर्ट नो इश्यूज सल्यूशन ओके सो दिस इज बेसिकली क्यूबरूट ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन इज नथिंग बट नाइन दिस इज वॉट आई विल से गिवन फॉर मी ये गिवन था ओके आते है जो टू फाइंड दिया है उस पर आते हैं क्यूबरूट ऑफ जीरो पॉइंट क्यूबरूट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो 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 सेवन ट्वेंटी नाइन सेवन ट्वेंटी नाइन न बी रिटर्न एज क्या लिख सकते हैं हम इसको देखो डेसिमल्स में ना जनरली रखने का नहीं मैथ्स में ना डेसीमल पसंद ही नहीं करने का ठीक है डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो कोई प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आओ चलो इसको मैं देखो क्या करते हैं डेसीमल के बाद कितने नंबर्स दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर्स तो जो नंबर जब डेसीमल भगाओगे जब एलिमिनेट करोगे डेसीमल्स इट विल ऑलवेज बी इन द डिनोमिनेटर का फॉर्म एंड सिक्स टाइम जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लियर एंड ऊपर लिखेंगे सेवन ट्वेंटी नाइन और ये इसका क्यूब रूट निकालेंगे ओके okay, सो so ये तो बन गया चलो कोई बात नहीं अब देखो इसका आंसर क्या है क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन नाइन है दिया नो इश्यूज no हम लिखेंगे यहां पर देखो इन इंटू नाइन इंटू नाइन अपॉन अपॉन ठीक है दिस इज नथिंग बट टेन लैक्स यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक ये क्या है चलो देखता हूं हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड चेक करो सिक्स जीरोज ऊपर भी है नीचे भी सिक्स जीरोज आने चाहिए तो मैंने उसको बना दिया हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड नाउ माय आंसर विल बी इन फॉर्म देखो पेयरिंग बन रहा है नाइन का देखो पेयरिंग बन रहा है हंड्रेड का आया कुछ समझ में आई बात समझ में ठीक है तो यहां पर इसके लिए हम लिखेंगे ओके okay, यहां पे लिख लेते चलो कोई बात नहीं आई जस्ट कंटिन्यू माय आंसर्स ऑन दैट साइड ओके सो यहां पर हम लिखेंगे इसको क्या देखो ध्यान से क्वल टू नाइन ऊपर से बाहर आया नीचे से हंड्रेड बाहर आया देन माय आंसर नीचे कितने जीरोस दिख रहे हैं मुझे आंसर डेसिमल क्वेश्चन अगर डेसिमल के फॉर्म में पूछ रहा है ना तो हम भी आंसर डेसिमल के फॉर्म में ही लिखेंगे उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का नीचे जितना जीरो उतने नंबर ऑफ डेसिमल पीछे से शिफ्ट करेंगे दो जीरो तो ऐसा आएगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो आंसर क्लियर so what i will be writing as my final answer as cube root of 0. 0.000729 is equals to 0 0.09 and with this we are done with the chapter with this we complete the entire question okay

एब्सोलिटली फाइन बट एटलीस्ट तो टेन तक याद ही रखना है वन का क्यूब टू का क्यूब थ्री का क्यूब फोर का क्यूब ऐसे सब याद रखना है अगर मुझे किसी ने पूछा सर वॉट इज फोर का क्यूब सिक्सटी फोर फाइव का क्यूब वन टी फाइव इट्स टूडेंट टिप ऑफ द टंग एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करने का तीन बार दैट्स गोइंग टू बी क्यूब क्लियर सो दिस इज गोइंग टू बी टू सिंपल फॉर यू जब आपको वो क्यूब्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो सर बड़े बड़े नंबर्स है तो जैसे हमने किया फैक्टर्स निकालो फैक्टर्स निकालो नो इश्यूज फैक्टर्स निकालने का टेंशन ही नहीं, नहीं। है ठीक है सो आई होप द चैप्टर दैप्टर इजी चैप्टर सिंपल फॉर यू पीपल एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर विद दिस ओके नाउ रिवाइज करने का लॉज ऑफ एंडाइसिस याद रखने का और जो मैंने कहा कि वो स्क्वायर रूट वाला जो कंसेप्ट था वो भी आपको याद रखना है कहीं ना कहीं वो बहुत आगे तक काम आएगा ठीक है फाइन so we are done with the entire chapter of your 8th standard that is chapter number 3 and dice and cube root i hope you have understood the chapter very well okay so thank you so much everyone bye bye everyone and take care stay safe thank you so much students